इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गाना सुनने से मर्द की गैरत खत्म होती है और औरत में बेहयाई पैदा होती है। इमाम हसन ने फरमाया, दुनिया में गाने सुनने वालों की शिफात मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने गाना सुना तो समझ लो कि वो मेरे कत्ल में शामिल है। इमाम अली ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया, जिस घर से गाने की आवाज़ आती है तो मुझे अपने बाबा के कातिल याद आते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, गाना जना की सीढ़ी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में गाने बजाए जाते हैं वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे जिंदान में सबसे ज्यादा तकलीफ साथ के घर से आने वाले गानों की आवाज से होती थी। इमाम अली रजा ने फरमाया, गाने सुनने वाला मोमिन कहलाने का हक नहीं रखता। इमाम मोहम्मद तकी ने फरमाया, गाने सुनने से इंसान की आखिरत तबाह हो जाती है और औलाद नाफरमान हो जाती है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिल में अहल बैत की मोहब्बत हो वो कभी गाने नहीं सुनते। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गाना सुनना इंसान को शहवत की तरफ लेके जाता है। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो गाने सुन के मेरे जहूर की दुआ मांगता है तो उसे चाहिए कि मेरे जहूर की दुआ ना मांगे, क्योंकि गाने सुनने वाला मेरे सिपाहियों में नहीं होगा। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कूफे वालों ने खत लिख के मेरे जद हुसैन को बुलाया।